नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एफएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक चीज को नोटिस करना कि जब भी इस कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए जाएंगे तो एक चीज को हमेशा याद रखना है कि एफएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा आपको अच्छा खासा एक मतलब खुद की ग्रोथ एंड खुद के जो बिजनेस है उसको ग्रोथ देखने को के हिसाब से मिलेगा। जैसे कंपनी के डेप्थ एकदम जीरो है, हाँ कंपनी का वैल्यूएशन दिखाए तो थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त है। अभी वैल्यूएशन कितना हाई है चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनी के पी रेशियो एक टाइम चला गया था 163 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है, आज पी रेशियो आ चुके हैं 51 के आसपास। और कोविड के टाइम में पी रेशियो कहाँ पे चला गया था, 36। मतलब ओवरऑल बात करो कोविड के जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड के आसपास कंपनी आना चाहते हैं। तो कंपनी का जो करंट पी रेशियो है 51 और कंपनी के 5 साल के एवरेज पी रेशियो 65। तो ओवरऑल बात करो कंपनी अंडर वैल्यूड है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो हमेशा आपको कंपनी के इंडस्ट्रियल के बेसिस मतलब इंडस्ट्रीज के बेसिस में देखना चाहिए और कंपनी के भी क्या सिचुएशन है वो भी देखना चाहिए। अभी एक चीज़ और भी मैं इसके साथ एडिंग करूँगा वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए जो डेटा मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू में देखने को मिला वो डेटा मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू एक टाइम चला गया था 62 के आसपास और आज कहाँ पे है, करीबन 6 के आसपास। तो सोचिए कंपनी में कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है यहाँ से फिर से वो ही वापस उसी लेवल तक जाने का। अगर वो ही लेवल तक कंपनी पहुंच गए तो सोचिएगा कंपनी रॉकेट बनेगा क्योंकि कंपनी के सर यही परफॉर्मेंस नहीं है, अगर क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। 140 करोड़ 2021 में था, 2022 में 315 करोड़ का सेल्स था, 2023 में 355 करोड़ से भी ज़्यादा था और 2024 में 500 करोड़ के ऊपर सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 59 से 69 बना, 62 बना और 87 बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो जो कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट कर रहा है उसके साथ साथ कंपनी खुद के कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, कितना है 262। तो कितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, 297, मतलब ठीक ठाक ही है कंपनी की। एक चीज़ मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी देखिए इतने दिनों से 9 करोड़ 15 करोड़ 30 करोड़ 49 करोड़ 70 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स एसेट को परचेज कर रहे थे, इस बार कंपनी डायरेक्टली 100 करोड़ को क्रॉसओवर किया और 116 करोड़ का टोटल फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे क्या किया, परचेजिंग किए। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना कंपनी का वो सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है और कंपनी में बूस्ट होने के लिए यही काफ़ी है। अभी इन्वेस्टर के बारे में मैं सबसे पहले बता दूँ कि इस एफएल इंडिया लिमिटेड के जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास 4.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज यहाँ पे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 11.5% के आसपास। उसी तरीके से अगर मैं इस कंपनी के एफएस के बारे में बात करूँ, एक टाइम 15% के आसपास होल्डिंग था, वो बीच में कम हो गया था 9.5% के आसपास, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करके 15% के आसपास जा चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए, आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। रही बात कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, मुझे जो पैटर्न्स दिखा वो शोल्डर कम बिग हेड मिला और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने का। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तरीके से शोल्डर बनाएगा कि जब यहाँ पे हायर साइड से एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। अगर नीचे गिरे तो कहाँ तक आ सकता है, फर्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है 1016 के आसपास और सेकेंड जो इसका सपोर्ट लेवल है करीबन 885 रुपीज़ के आसपास। तो ये दोनों लेवल को आप याद रखना और इस लेवल के हिसाब से आप जरूर काम करना मतलब एक बार जरूर इसके ऊपर रिसर्च करना। तो आई होप इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा, अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरीके से अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली देखिए टाटा एलेक्सी का जो शेयर प्राइस है वो करीबन 6700 के आसपास है। देखिए अभी जो प्राइस आपको देखने को मिला है, आप जब वीडियो देखेंगे शायद प्राइस चेंज हो सकता है क्योंकि मार्केट है, मार्केट के रनिंग सिचुएशन में मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा वो चेंजेस होता रहता है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। 6700 का इसका प्राइस है और इसका जो मतलब टारगेट रखा गया है वो टारगेट है 7800 ऑलमोस्ट 7900 के आसपास। तो 6000 अभी जो करंट प्राइस है
6,700 के आसपास, उसके बाद 7,900 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो 1,100 पॉइंट का टारगेट मैंने ही रखा, जो कॉरपोरेट है, जो आप देख सकते हैं करोड़पति मतलब टाटा आईटी स्टॉक टू, यहाँ पे देख सकते हैं जो टारगेट इसका रखा गया है वो करीबन 7,800-9,000 के आसपास। और एक गुड अपडेट भी है इस कंपनी के ऊपर, वो अपडेट क्या है, वो अपडेट यही है कि कंपनी एक के बदले एक शेयर यहाँ पे बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो कंपनी 70 रुपीज़ करके डिविडेंड भी देने वाला है। तो इतने सारे अपडेट्स कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी हाल ही में जो इसका डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके लिए बता दूं, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट होने से पहले और डिविडेंड पाने से पहले कंपनी के ऊपर आपको डीपली एक रिसर्च करना होगा, क्या सही में कंपनी में दम है। तो दम के बारे में बात करूं तो कंपनी अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं जो कंपनी को एक अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकता है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी वो ही सेक्टर के ऊपर काम करे जिसमें आज जितना आईटी सेक्टर का डिमांड है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर बहुत तेज़ी से आईटी सेक्टर का ग्रोथ बढ़ रहा है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जा रहा है और वो भी ऑटोमेटिक सेगमेंट के ऊपर, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। उसके साथ साथ मीडिया सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, कम्युनिकेशन सेगमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम। तो बेसिकली इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। और रही बात इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी के जो वैल्यूशन है, वैल्यूशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपनी का डेप एकदम ना के बराबर है, इनकम अच्छा खासा है। और कंपनी का जो पी रेशियो है, अगर मैं इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो मतलब डेटा दिखा दूँ, तो अगर मैं कंपनी के पी रेशियो एक बार आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था कहाँ तक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 107 के आसपास, और वो पी रेशियो आज गिर कर कहाँ पे आ गया, 50 के आसपास, मतलब 107 से गिर कर 50 आ चुके हैं, मतलब पी रेशियो में एक बहुत भारी भरकम करेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के पी रेशियो सस्ते में देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट जो है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट देखिए, बाकी जितने सारे आईटी सेक्टर है, अगर सारे आईटी सेक्टर को देखेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर, जैसे टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, एलटीमाइंटी हो गया, तो इस सारे कंपनीज का अगर सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत बहुत कम सेल्स देखने को मिला है इस बार। और उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ सेल्स का कम होता देखने को मिला है, क्योंकि 914 से 906 के आसपास कंपनी का टोटल सेल्स हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 206 करोड़ था, 197 करोड़ बना। देखिए प्रॉफिट कम हुआ, आपको देखकर लग रहा होगा कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा कम तो नहीं है। हाँ ये बात सही है, ज़्यादा कम नहीं है, फिर भी एक ग्रोथेबल कंपनी के ऊपर अगर अचानक कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो ही जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा राय ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में कभी भी उतना कमियाँ देखने को नहीं मिला। हाँ लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, सेल्स तो ठीक ठाक है, इसलिए कंपनी रिटर्न नेगेटिव किया। तो बाकी कंपनी का आरओसी आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, और कंपनी लास्ट 5 या 10 ईयर्स में कंपनी 30% से एवरेजली आपको सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो इन्वेस्टर है उस हिसाब से बात करो तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी के ऊपर जो कप हुई धन्यपन्स बना था, यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हो ऊपर गया, तो टारगेट 50% गया था, उसके बाद बिग क्रैश हुआ। तो देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा एंट्री लेवल से अगर 20% करेक्शन हुआ, देखिए जहाँ पे मेरा एंट्री लेवल है उस एंट्री लेवल से अगर 20% करेक्शन हो तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर 20% तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि करेक्शन हुआ था, और मुझे लगता है जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है इस लेवल तक आने के बाद ही वो फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। इस लेवल तक जब आएगा तब तो मैं ऑब्वियसली कुछ क्वांटिटी एवरेज करूंगा। तो मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस एक्टिवेयर। देखिए कैंपस एक्टिवेयर देखा जाए तो इंडिया के एक एक लीडिंग कंपनी बनने जा रहा है, मतलब एक फुटवेयर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा कंपनी बनने जा रहा है, क्योंकि कंपनीज के अगर डेटाबेस के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। जो टॉप 3 कंपनीज है उनमें से देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। सबसे पुराना कंपनी रिलैक्सन बाटा, इस 2 कंपनी मार्केट में बहुत पहले से लिस्टिंग है, फिर भी उसको बीट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है, करीबन 42% के आसपास कंपनी के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनी
कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है और कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 23 करोड़ से 33 करोड़ बना। मतलब कंपनी बीच में जो एकदम ना के बराबर प्रॉफिट किए थे उसको फिर से रिकवरी भी कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट को आपके साथ शेयर करूं तो जो पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला करीबन 118 करोड़ और कंपनी का जो कैश रिक्वायरमेंट है वो कितना है 25 करोड़ के आसपास। अभी एक चीज़ को और भी नोटिस करना, कंपनी के जो बोरिंग्स है उस बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा तो मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कोई कर्जा नहीं है। कंपनी के जो कर्जा है वो लीज लाइबिलिटी के हिसाब से, वहाँ 150 करोड़ कंपनी के लीज के हिसाब से लाइबिलिटीज लिया गया, तो बेसिकली 178 करोड़ के आसपास कर्जा है। वो कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है और कंपनी का रिजर्व भी बहुत ज़बरदस्त है। तो सब कुछ जब कोई भी कंपनी के ऊपर पॉजिटिव होता है तो उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट जरूर देखने को मिल जाते हैं। रही बात इस कैंपस एक्टिव वेयर के, अगर मैं कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो इस बार भी कंपनी कैपेक्स अनाउंसमेंट किया करीबन 44 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल में 66 था उससे पहले 32 था। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कैंपस एक्टिव वेयर के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, आप देखेंगे तो पहले क्या बना, एक शोल्डर बना, पहले एक शोल्डर बना और शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक बिग हेड यहाँ पे बन चुके हैं। तो बिग यहाँ पे एक हेड बन चुके हैं, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो उसके बाद मैं जरूर यहाँ पे कुछ एंट्री लेने वाला हूँ। तो मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है टाटा मोटर्स, जो जल्द से जल्द इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपया है उसको 1 रुपया करने वाला है, मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने जा रहा है। तो इसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तब जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।